फिल्मी दुनिया की चकाचौंध, फिल्मी सितारों की तरह एक नामचीन शोहरत, लाखों लोगों की वाहवाही और तालियों की गूंज भला किसे अच्छी नहीं लगती। हर दिन हजारों लोग अपनी आंखों में एक सपना और उम्मीद लेकर मुंबई आते हैं। अपने इस खास प्रोग्राम जर्नी टू बॉलीवुड के तहत हम कुछ ऐसे कलाकारों की जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने कई सालों के बाद अपनी अदाकारी के दम पे अपनी एक खास पहचान बनाई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्होंने कई सारी हिट फिल्मों में काम किया है, जैसे रॉकस्टार, फिल्मिस्तान, रिवॉल्वर रानी, जॉली एलएलबी 2, बदलापुर, एयरलिफ्ट, सुल्तान, रुस्तम, एमएस धोनी की बायोपिक फिल्म रॉक ऑन 2 और हाल में रिलीज हुई रुख में भी इन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुमुद मिश्रा की। तो आइए हम इनसे रूबरू होते हैं और इनकी बॉलीवुड जर्नी के बारे में जानते हैं कि कैसे आई है बॉलीवुड में। कुमुद मिश्रा मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले हैं। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका में हुई थी। स्कूल के बाद की पढ़ाई उन्होंने भोपाल में की। मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद वो दिल्ली के एनएसडी स्कूल से उन्होंने एक्टिंग में डिप्लोमा किया था। इनकी पत्नी का नाम आयशा रजा है और इनके पुत्र का नाम कबीर है। तो एक्टिंग की पढ़ाई के बाद कुमुद मिश्रा ने मुंबई में थिएटर ज्वाइन कर लिया। अंधकार में प्रतिशोध, प्राण और घृणा का महत्व है, वास्तव में सत्य कौमुदी का शास्त्र है। ये कौमुदी केशव की नहीं, एकलव्य की है। और 1996 में उनकी पहली फिल्म आई जिसका नाम था सरदारी बेगम। 2004 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर थिएटर ग्रुप बनाया अरण्य। 2007 में उनकी फिल्म आई 1971। 2011 में आई उनकी फिल्म रॉकस्टार में उनके अभिनय को बहुत तारीफ मिली। अबे दिल टूटा होता तो यहां बैठ के समोसे खा रहा होता, चटनी की लड़ाइयां कर रहा होता, हलक से निवाला नहीं उतरता अब तो तक। फिल्मों के साथ ही साथ वो थिएटर में भी काम करते रहे और उन्हें अच्छी पहचान मिलने लगी। मैं आ गया सर, सॉरी सर, वो मैंने नॉक किया था सर, आप इंटरकॉम में थे तो मैंने आपको। कोहली, तुम मुझसे डरने का नाटक बंद करो सर। उसके बाद तो फिर एक से एक अच्छे रोल्स मिलते गए और उन्होंने बखूबी अपने अभिनय का शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म सुल्तान में उनके अभिनय को कौन भूल सकता है। आज तुमने देख के मन ने पक्का यकीन हो गया है कि इंसान बांदर से ही पैदा हुआ है। कल सुबह 6 बजे मिलते हैं अखाड़े में। रुस्तम में पारसी एडिटर के किरदार को भी काफी सराहा गया है। धोनी की बायोपिक फिल्म में उनके भूमिका की जमकर तारीफ की गई है। एक्टर कुमुद मिश्रा को उनके कमाल के अभिनय, काम करने के जुनून और संघर्ष से हार नहीं मानने वाले एटीट्यूड के लिए टैलेंटेड इंडिया उन्हें सलाम करती है। मैंने लाइफ का पहला एनकाउंटर आपके साथ ही किया था। किसी को मार के प्रमोशन भी मिल सकता है, ये मैंने आपसे सीखा है सर। हेलो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जी, मैं क्वेट सिटी से रंजीत कटियाल बोल रहा हूँ। जी, क्या नाम है उसका? कमांडर रुस्तम बावरी। बावरी? ये तो क्या, तेरे को 50 नहीं 100 देगा, पर ये खबर किसी और अखबार को मत देना, समझे? आप बेफिक्र रहिए सब। वैसे मेरी बात किससे हो रही है? I am joint secretary संजीव कोहली। मैं शाहरुख खान की तरह सरसों के खेतों में ऐसे बाएं फैला तेरा स्वागत करूंगा। नहीं उस्ताद जी, शाहरुख खान का मजाक मत उड़ाओ, मुझे बहुत पसंद है। जाना न जाना आप पे है सर, लेकिन जॉर्डन में 2.25 लाख लोग हमारी राह देख रहे हैं और उनकी गलती सिर्फ इतनी को हिंदुस्तानी तो हैं पर हमारे रिश्तेदार नहीं। नाम क्या है? सुल्तान। सुल्तान, कोई और खेल खेल रहा है? अभी का बच्चा हूं, आशीर्वाद बनाए रखेगा, मिलके रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे सर। जय हिंद। फॉर मोर बॉलीवुड डिटेल्स एंड अपडेटेड न्यूज सब्सक्राइब अवर